उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड राज्य को केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के स्थायी आवंटन को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके तहत ही बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस समय पर प्रदेश में विद्युत उत्पादन कम होती है, जिस वजह से हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे आपको मालूम है कि समय समय पर जो बिजली की क्राइसिस रहती है और कई बार हमको बाहर से परचेज करने पड़ती है, जो काफी महंगे दामों पर हमको मिल पाती है। उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज तैयार करें, लगातार सरकार प्रयास करते हैं और उसी क्रम में, क्योंकि सरकार ने गठित की है और कई मंत्री बदले भी हैं, उसी में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं और उन्होंने जो मंशा है, जो मांग है उनके सामने रखी है और मैं समझता हूँ उसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे।